हाय, फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। हेलो, हाँ आवाज़ आ रही? आवाज़ नहीं आ रही। हेलो, आवाज़ आ रही? आवाज़ नहीं आ रही। हेलो हेलो, आप कैसे देख रहे हैं? ओ तो मतलब क्या आपके साथ भी तो ऐसा नहीं होता कि आपके फ़ोन में आवाज़ ना आती हो, आपका कॉल ड्रॉप हो जाता हो, आपके मोबाइल में सिग्नल ना आते हो, आपका नेट ना चलता हो, कॉल फेल लिखा आता हो? अगर आपका जवाब भी हाँ भाई हाँ में है तो आप देखिए, हम आपके लिए लाए एक नया मैसेजिंग डिवाइस जिसमें ना नेटवर्क की समस्या है, ना खड़खड़ाने की समस्या है, ना कॉल लॉस होने की समस्या है। ये देखिए हमारा नया मैसेजिंग डिवाइस। और सबसे बड़ी बेनिफिट की बात क्या है कि इसके साथ 12 पर्चियाँ भी आती हैं और उनको बांधने के लिए डोरियाँ भी आती हैं। ये 12 पर्ची वाला आइडिया हमने कहाँ से लिया है? फ्री पर्ची। ये कहाँ से लिया है? ये हमने लिया है वही गैस सिलेंडर से, जिसमें 6 गैस सिलेंडर सस्ते आपको मिलते हैं। तो मतलब ये है कि अगर आपकी भी समस्या यही है तो ये वीडियो आपको देखने का बनता है। तो भारत का जो टेलीकॉम मार्केट है वो सेकेंड लार्जेस्ट है वर्ल्ड में, और जो मोबाइल इंटरनेट का जो मार्केट है वो भी सेकेंड लार्जेस्ट है वर्ल्ड में। तो 91 के बाद से हमारे मार्केट ने काफ़ी चेंजेस देखे, सरकार ने बहुत सारे चेंजेस किए हैं और प्राइवेट प्लेयर्स को भी इन्वाइट किया कि वो इसमें पार्टिसिपेट करें, क्योंकि इससे पहले गवर्नमेंट ही सर्विस दिया करती थी। तो नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी बनाई, उसके बाद उनका जो रेगुलेटर है TRAI जो है उसको बनाया, फिर अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए तो उसको निपटाने के लिए एक सेटलमेंट बॉडी बनाई जिसको कि TDSAT बोलते हैं। उसके बाद 2G सर्विसेज लॉन्च करी, फिर 3G सर्विसेज लॉन्च करी, और मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी हुई। अगर मान लीजिए आपके जो सर्विस प्रोवाइडर है अगर आप खुश नहीं हो तो बिना नंबर चेंज किए आप दूसरे सर्विस प्रोवाइडर के पास जा सकते हैं। फिर उन्होंने जो डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन है उसको बदल के कंपनी बनाया, भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि BSNL की स्थापना करी। उसके बाद 4G सर्विसेज आई, और फिर जियो की 4G सर्विसेज आई जिसने हमारी जो मार्केट है उसको पूरा ही चेंज कर दिया, और जो एग्जिस्टिंग प्लेयर थे उस टाइम के उनके ऊपर बहुत सारा स्ट्रेस डाल दिया। और अब हमारी गवर्नमेंट जो है वो 5G सर्विसेज लाने वाली है। शुरुआती सालों में जो सरकारी कंपनी है BSNL यानी कि भारत संचार निगम लिमिटेड है, वो एक बहुत बड़ा मेजर प्लेयर हुआ करता था, और शुरुआत के 8 साल में उन्होंने बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया। पर उसके बाद जो मैनेजमेंट है वो ख़राब होता चला गया, और जो कंपटीशन है प्राइवेट कंपनी से जो बढ़ता चला गया। उसके साथ साथ जो BSNL की एम्प्लॉई कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा थी, और एक समय में 75% यानी कि जो रेवेन्यू आता था उसका 75% जो है यानी कि 100 में से 75 रुपये आप मानिए जो एम्प्लॉयज़ को सैलरी देने में चला जाता था। इसकी वजह से क्या हो गया, BSNL लॉस में आने लगी, और 2015 से लेकिन 19 तक उसके लॉसेस काफ़ी बढ़ चुके थे। और लास्ट ईयर यानी कि अप्रैल से दिसंबर 2019 के बीच में जो BSNL के लॉस थे वो लगभग 39,000 करोड़ के थे। बाद के सालों में जो 4G का लाइसेंस है उसका ना मिलना BSNL के लॉस की एक बहुत बड़ी वजह बन गई थी। जब सब लोग 4G की सर्विस के दे रहे तो आपकी 3G की सर्विस कौन लेगा? हालांकि कुछ सर्किल्स में BSNL ने अपने हाई एंड BTS के जरिए कुछ 4G सर्विसेज दी थी, पर वैसे गवर्नमेंट ने उनको स्पेक्ट्रम नहीं दिया था ना लाइसेंस दिया था। सरकार से उन्होंने बहुत बार मांगा पर गवर्नमेंट ने दिया नहीं। अब जबकि लॉसेज इतने ज़्यादा हो गए तो सरकार ने उनको एक रिवाइवल पैकेज दिया। 4G का लाइसेंस ना मिल पाने की वजह से BSNL के कस्टमर बेस में ही कमी आई और उसकी रेवेन्यू में भी कमी आ गई। इसी की वजह से अब सरकार उनको एक रिवाइवल पैकेज दे रही है जिसमें उन्होंने MTN और BSNL का मर्जर को अप्रूव कर दिया। उसके साथ साथ जो 55 साल से ऊपर के एम्प्लॉयज़ हैं उनको VRS देने का भी निर्णय लिया गया है। साथ में BSNL को 4G का स्पेक्ट्रम देने की बात भी कही गई। अब सरकार हमारी जो है वो 5G का स्पेक्ट्रम लाने वाली है और BSNL को 4G का स्पेक्ट्रम दे रही है। भारतीय टेलीकॉम मार्केट की 2 ऐसी घटनाएं जिन्होंने भारतीय टेलीकॉम मार्केट को काफ़ी प्रभावित किया है। पहला है 2G स्कैम और दूसरा है AGR के बारे में। सरकार के सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का ऑडिट करने वाली जो संस्था है CAG, वो बहुत ही सरप्राइजिंग फैक्ट लेके आई कि जो 2G का लाइसेंस है उसको औने पौने दाम पर सरकार ने दे दिया है और उसके लिए कोई फेयर बिडिंग नहीं कराई। अब बिडिंग में क्या होता है कि बहुत सारे लोग आके अपने अपने दाम लगाते हैं और जो हाईएस्ट बिडर होता है उसको वो चीज़ दे दी जाती है उस सर्किल के लिए। अब क्या है, बाद में उन्होंने बताया कि इसके जो नुकसान थे वो लगभग 1.76 लाख करोड़ के थे। बाद में CBI ने इसको 30,000 करोड़ के बताए थे। तो मतलब कोई चाय समोसे खाने के पैसे भी नहीं दे सकता है, तो तुम्हें हर चीज़ से चेड़ है। तो क्या वो चाय समोसे खाने के सुप्रीम कोर्ट ने इनको सजा भी दी, तो इन कंपनियों का सुप्रीम कोर्ट ने लाइसेंस कैंसिल कर दिया। और उसके बाद क्या हुआ, फाइन भी लगाया, 50 लाख रुपए का इन कंपनियों के ऊपर लगाया और 5 करोड़ का 3 कंपनियों पे लगाया जो ये थी। बाद में हालांकि कोर्ट में चार्ज प्रूव ना होने की वजह से सब लोग बरी हो गए थे, पर पहले जो हमारे मिनिस्टर थे उनको तक को कैद हो गई।
इस घटना का हमारे टेलीकॉम सर्किल पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा, क्योंकि उसके बाद से हमारे यहाँ जो नंबर ऑफ जो सर्विस प्रोवाइडर्स थे उनकी संख्या कम हो गई थी। AGR पे बात करने के लिए हमने बुलाए एक एक्सपर्ट, लियो टीवी के जरिए हम उनसे कनेक्ट होंगे, मोहित जी से। हाँ तो मोहित जी बताइए कि ये AGR का क्या इशू। मोहित जी आप हमको सुन पा रहे तो बताइए AGR के बारे में कुछ, आप हमें सुन पा रहे हैं कि नहीं। तो अब बात करते हैं AGR की, यानी कि एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू के बारे में, जिसके बारे में भी डिस्प्यूट चल रहा है। सरकार ने क्या किया था कि जो लाइसेंसिंग फी है वो बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, तो इसके लिए जितने भी मोबाइल कंपनियाँ हैं उन पर एक सहूलियत दी कि वो रेवेन्यू शेयरिंग फी मॉडल से अपनी जो फीस हैं उनको सरकार को दे सकते। उसमें क्या कहा गया, उसमें ये कहा गया कि सरकार जो को जो है वो अपनी एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू में से जितनी भी मोबाइल कंपनियाँ हैं वो कुछ परसेंटेज एज अ लाइसेंस फी दे दें और कुछ परसेंटेज दें जो स्पेक्ट्रम यूजेज चार्ज के रूप में। अब ये एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू होगा क्या, तो इसकी भी डेफिनेशन जो लाइसेंस जो एग्रीमेंट हुआ था डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और जो मोबाइल कंपनीज हैं उनके बीच में, उसको डिफाइन किया गया है। सरकार जो है वो कहती है कि डिडक्शन से पहले, यानी कि इसमें कुछ डिडक्शन भी दिए गए हैं कि AGR को जब डिफाइन किया गया था तो उसमें कुछ छूटें भी मिली हैं मोबाइल कंपनीज को। तो सरकार को क्या मानना है, सरकार का मानना है कि इन डिडक्शन से पहले, काउंट करने के पहले, जो कंपनीज हैं उनको अपनी कोर और नॉन कोर एक्टिविटीज़ की जो रेवेन्यू है उसको इसमें शामिल करना चाहिए, जबकि जो मोबाइल कंपनी है वो ये चाहती हैं कि इसमें सिर्फ कोर जो सर्विसेज हैं उनसे जो रेवेन्यू है उसको शामिल किया जाए, जो नॉन कोर एक्टिविटीज से रेवेन्यू है जैसे कि इंटरेस्ट हो गया जिसको ब्याज बोलते हैं, या फिक्स एसेट्स की सेल से जो प्रॉफिट हुआ है या डिविडेंड है उसको शामिल ना किया जाए। 2005 में जो सेलुलर जो कंपनीज हैं उनका जो एसोसिएशन है वो TDSAT में गया, जो उनकी जो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है उसमें गया और उसने ये रिक्वेस्ट करी कि जो इसके बारे में TDSAT पे आदेश पास करे, बिकॉज टेलीकॉम कंपनीज हैं वो ये चाह रही थी कि उसमें नॉन कोर जो रेवेन्यूज हैं उनको शामिल ना किया। 2015 में TDSAT ने जो टेलीकॉम कंपनीज की जो डेफिनेशन थी उसको माना और गवर्नमेंट को ये आदेश दिया कि उसी से AGR का कैलकुलेशन किया जाए। सरकार जो है इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और सुप्रीम कोर्ट जो है उसने जो है अभी जो डिसीजन दिया उसमें ये दिया था कि जो गवर्नमेंट की यानी कि जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की जो डेफिनेशन है उसको उसने अपहेल कर दिया। ये मोबाइल कंपनीज के लिए एक बहुत बड़ा इशू बन गया और एक बहुत बड़ी समस्या लेके आया है। कुल 1.67 लाख करोड़ जो है बकाया है टेलीकॉम कंपनी के ऊपर, वोडाफोन के ऊपर 58,000 करोड़ रुपये बकाया, जिसमें से उन्होंने लगभग 7,800 करोड़ रुपये के आसपास जमा करा दिए हैं। भारतीय एयरटेल है उसके ऊपर 43,000 करोड़ बकाया था, जिसमें उन्होंने 18,000 करोड़ जमा करा दिए हैं। जियो ने अपना पूरा 195 करोड़ जो है वो जमा करा दिया है। इस समय कठिन बहुत समय है क्योंकि कॉम्पिटिशन की वजह से जो टैरिफ्स हैं वो बहुत कम है, जो एवरेज रेवेन्यू है पर कस्टमर से वो भी बहुत कम है, कंपनीज को नुकसान हो रहे हैं। ऐसे समय में इतना पैसा जमा कर पाना हमारी टेलीकॉम कंपनीज के बस की बात नहीं है। वोडाफोन तो इस मूड में है कि वो दे, अगर उसको कोई रिलीफ ना मिले तो वो देश को छोड़ के जा सकती है, क्योंकि वो अब और कोई इन्वेस्टमेंट करने के मूड में नहीं है। जियो को छोड़ के ज़्यादातर कंपनियां अपने सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल कर रही हैं। वोडाफोन, एयरटेल और टाटा टेली सर्विसेज को जो नुकसान हुए हैं वो ये रहे लास्ट ईयर। अब जो है सरकार भी नहीं चाहती है कि कोई भी प्लेयर मार्केट से कम हो जाए, क्योंकि इसका असर सर्विसेज पे और टैरिफ पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इनको राहत भी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि 31 मार्च तक 10% जो ड्यूज है उसको जमा करा दिया जाए, फिर 10 साल का समय दिया है। कोर्ट ने ये भी कहा है कि अगर ये पैसा जमा नहीं कराया जाएगा तो कोर्ट पेनल्टी लगाएगी, इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा और इसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। इंडिया टुडे के मुताबिक जो पॉलिसी में क्लियरिटी ना होने की वजह से ऐसी सिचुएशन उत्पन्न हुई है। कम होती मोबाइल कंपनियां ना तो ग्राहकों के लिए अच्छी हैं ना बिजनेस के लिए अच्छी हैं। अगर आप वैसे देखें तो मोटे मोटे सिर्फ 4 हमारे यहाँ प्लेयर रह गए, जिसमें वोडाफोन आइडिया, एयरटेल, जियो और भाई साहब नहीं लगता यानी कि BSNL शामिल, जिसमें कि वोडाफोन आइडिया की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और वो सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल कर रही है। बैंक ऑफ अमेरिका की माने तो हमारे यहाँ जो ब्रॉडबैंड यानी कि जो तार से हमारे हाई स्पीड इंटरनेट आता है उसका सिर्फ 6% हिस्सा है और बाकी सब लोग मोबाइल डेटा का इस्तेमाल करते हैं। जब फर्म्स कम होती चली जाएंगी तो ग्राहकों के पास विकल्प कम हो जाएंगे और इसका सर्विसेज पे भी असर पड़ेगा। एक और चीज़ है,
पहले हमारा जो मार्केट था उसमें ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट का स्ट्रक्चर हुआ करता था, यानी कि कुछ बड़ी बड़ी फर्में होती थी जो हमारे यहाँ सप्लाई किया करती थी, जिसकी वजह से कंपटीशन की वजह से ग्राहकों को फ़ायदा मिलता था। पर अब अगर मान लीजिए वोडाफोन भी चली जाए तो सिर्फ दो मेजर प्लेयर बनेंगे, जियो और भारतीय एयरटेल। उसकी वजह से हो सकता है कि टैरिफ बढ़ जाए और सर्विसेज का स्तर जो है उसके बारे में कुछ बहुत कहना संभव ना होगा, क्योंकि ग्राहकों के पास विकल्प कम रह जाएंगे। कोरोना वायरस के चलते ज़्यादातर लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, और जो लोग घर पे भी हैं वो भी क्या है, उनके पास एंटरटेनमेंट के साधन नहीं, तो लाइव स्ट्रीमिंग ऐप का काफ़ी इस्तेमाल हो रहा है या नेट पर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। इससे हमारे सिस्टम में काफ़ी बर्डन पड़ गया, यानी कि वो काफ़ी स्ट्रेस हो गया है। इसके लिए जो मोबाइल कंपनीज़ हैं उन्होंने गवर्नमेंट से टेम्परेरी स्पेक्ट्रम देने की मांग भी की, जैसे कि यूएस में हुआ है। इस टाइम टावर की भी शॉर्टेज हो गई है और लगभग 1,00,000 के आसपास टावर शॉर्टेज है, क्योंकि उनके लिए परमिशन लेनी पड़ती है और एम्प्लॉयज़ हैं इस साल पूरे आ नहीं रहे इस टाइम में। उसकी वजह से क्या है, जो उनकी एप्लीकेशन हैं वो डिले होती चली जा रही है। जो बिजनेसेस हैं उनके ऊपर बहुत सारा फ़र्क पड़ेगा अगर कोई भी कंपनी चली जाएगी। जिन बैंकों ने इन कंपनीज़ को लोन दिए हैं उनके जो लोन है वो उनका पैसा वापस नहीं आ पाएगा, यानी कि उनके जो स्ट्रेस एसेट्स हैं वो बढ़ जाएंगे। इसके साथ साथ बहुत सारे छोटे छोटे सप्लायर्स हैं जो इन फर्म्स के साथ काम कर रहे हैं, उनके ऊपर भी असर होगा। बहुत सारा जो ये फर्म्स हैं सर्विसेज देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर लगाती है, वो भी बेकार हो जाएगा, क्योंकि दूसरी फर्म उसको तभी खरीदेगी जब उसको उसकी ज़रूरत होगी या कमी होगी। और एक मेजर असर होगा वो लोगों के ऊपर जो हमारे यहाँ के इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। तो फिर आखिरी में फिर से हम वही बात करेंगे जो हर बार करते हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन को प्रेस करने से आपके पास सारे नोटिफिकेशन भी आएंगे। अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।